आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम जिस स्टॉक की बात करेंगे वो है एक बहुत बेहतरीन शानदार स्टॉक जिसका नाम है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज, जिसका शॉर्ट फॉर्म है दोस्तों सेंट्रल CDSL। दोस्तों ये बहुत बेहतरीन स्टॉक है और बहुत अच्छा स्टॉक है। इस स्टॉक पर अगर आप काम करोगे और लॉन्ग टाइम के लिए इसमें व्यू रखोगे तो यहाँ से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, क्योंकि दोस्तों ये जो कंपनी है बहुत बेहतरीन कंपनी है, शानदार कंपनी है। इस कंपनी के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। जो सीडी जो भी CDSL जो भी अगर दोस्तों आप डीमैट अकाउंट खोलते होगे, आपके आप अगर स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो या कुछ भी करते हो, इन्वेस्ट करते हो, तो आपका एक डीमैट अकाउंट होगा, जैसे जरोदा का हो गया, जैसे IIFL का हो गया, ग्रो का हो गया, बहुत सारी कंपनीज हैं इसमें जिसके पास अपने डीमैट अकाउंट्स हैं। तो ये डीमैट अकाउंट के दोस्तों KYC जो करवाती है वो CDSL के माध्यम से होती है। दूसरा दोस्तों जो जितने भी शेयर जो भी प्लेस वगैरह होते हैं, जो शेयर्स वो सब CDSL के माध्यम से ही प्लेस वगैरह भी होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो भी क्या कहते हैं दो कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन होना होता है कंपनी में या कुछ भी बड़ा काम होता है तो मीटिंग्स वगैरह होनी होती है, तो वो सब CDSL के माध्यम से ही होती है। तो इनका बहुत शानदार बिजनेस है, बेहतरीन बिजनेस है। डिपॉजिटरी का इनका बिजनेस है, डीमेटेरियलाइजेशन का है, होल्डिंग का है, ट्रांसफर और प्लेज ऑफ जितने भी शेयर्स होते हैं, और ठीक है उनको जितने भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ई वोटिंग वगैरह सब ये CDSL कंपनी करवाती है, जिसमें गवर्नमेंट गवर्नमेंट की नजर होती है, ठीक है। तो दोस्तों जो इसका अभी जो करंट स्टॉक प्राइस चल रहा है 993 के आसपास चल रहा है, जो इसने 52 वीक लो बनाया है, जो 880 के आसपास 52 वीक लो बनाया है और 1451 के आसपास देखो हाई बनाया है, अपने हाई से काफी बड़े डिस्काउंट पे आपको ये मिल रही है, ठीक है। तो इस कंपनी में आप नजर बना के रखते हैं। 6 महीने से जिस बंदे ने इसमें निवेश किया उसको -18% के रिटर्न मिल रहे हैं, और 1 साल से दोस्तों -9 नेगेटिव के रिटर्न मिल रहे हैं, ठीक है। मिड कैप कंपनी है, तो इस कंपनी में दोस्तों आप क्या कर सकते हो, इस कंपनी में नजर बना के रख सकते हो बहुत, क्योंकि इसका कंपनी का शानदार बिजनेस है, बेहतरीन बिजनेस है। अगर आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट आने वाले फ्यूचर में भी चलता रहेगा, लोग अपनी SIP करते रहेंगे, लोग म्यूचुअल फंड्स में होल्ड करेंगे, आने वाले टाइम में म्यूचुअल फंड्स की ओर को हमारा देश जाएगा, तो ये इस कंपनी को ग्रोथ मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि ये सारा कारोबार है दोस्तों CDSL के माध्यम से होना है, CDSL के माध्यम से ही होगा ये सारी चीजें, ठीक है। अगर पी रेशियो की बात करते हैं तो देखो 37.63 के आसपास इसका पी रेशियो है, 26 के आसपास इसका EPS निकल के आ रहा है, प्राइस टू जो बुक वैल्यू है 8.56 है, और बेहतरीन और शानदार है डिलीवरी, इसका मतलब दोस्तों इतनी सारी जो डिलीवरी उठी है इसका मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए इसको निवेशक इस स्टॉक को प्रेफर कर रहे हैं, उसको खरीद रहे हैं। तो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस एक बेहतरीन कंपनी है, शानदार कंपनी है, जिसकी दोस्तों डिपॉजिटरी से आई होती है, जो ये रेवेन्यू वगैरह जनरेट करती है दोस्तों, कहाँ से डिपॉजिटरी से लेती है, डीमेटेरियलाइजेशन से लेती है, ठीक है। सेंट्रलाइज्ड रिकॉर्ड जितने भी क्या कहते हैं जो डेटा की जो डेटा एंट्री और जो स्टोरेज है वहां से जो जो ये सर्विस प्रोवाइड करती है वहां से इसके रेवेन्यू जनरेट करते हैं, ठीक है। KYC को अपने पास रखती है, और इन सब के बदले में क्या करती है दोस्तों, चार्जेस लेती है। तो चार्जेस से इनका रेवेन्यू है, इनकी लाइबिलिटीज बहुत कम है और बस कमाई बहुत ज्यादा है। कोई भी शेयर हम खरीदते हैं बेचते हैं दोस्तों, उसमें जो भी कहते हैं ट्रांजैक्शन चार्जेस करते हैं वो CDSL के पास जाते हैं। जब भी आप खरीदोगे दोस्तों खरीदने में और जो बेचोगे उसमें दोस्तों चार्जेस कट के आते हैं, उसमें जो CDSL के चार्जेस होते हैं और ब्रोकरेज फर्म के चार्जेस होते हैं, तो आधा CDSL के पास जाता है, आधा ब्रोकरेज कंपनी के पास जाता है। तो कभी कोई भी परचेज ब्रोकिंग होगी, कॉल पुट लगेगी, चाहे फ्यूचर ऑप्शन होगी, चाहे हम लॉन्ग टर्म के लिए खरीदे चाहे शॉर्ट टर्म के लिए खरीदे, तो इस कंपनी को क्या होना है, प्रॉफिट होना है। ये बीच में एक ऐसा मीडिएटर के तरह काम करती है जिसकी कोई ज्यादा लायबिलिटीज नहीं है, बस पैसा आने ही आने, चाहे शॉर्टिंग हो चाहे प्रॉफिट हो, ठीक है। एक ऑटोमेटिक सिस्टम इसने जनरेट कर लिया है जिसमें सिर्फ पैसा आता ही रहेगा। अब आने वाले टाइम में दोस्तों, क्योंकि फिर जैसे जैसे कि फ्यूचर में क्या है दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स की ओर को लोग रुझान कर रहे हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स के ज्यादा साधन गवर्नमेंट ने छोड़े नहीं है, तो क्या है कि जैसे जैसे डीमेट अकाउंट्स ओपन होते रहेंगे तो इसका रेवेन्यू बढ़ता जाएगा, इसका रेवेन्यू बढ़ता जाएगा, तो ये यहाँ से पैसे कमाते जाएगी। तो बहुत ही बेहतरीन और शानदार कंपनी, इस कंपनी में आप काम कर सकते हो, नजर बना के रख सकते हो। तो दोस्तों अगर देखो अगर हम ऑल इसका लाइफ टाइम हाई की बात करेंगे, तो जो इसने लाइफ टाइम अपना हाई बना के दिया है, तो इसने 279
0.74 के आसपास इसने अपना लाइफ टाइम बना के दिया। ठीक है, अगर दोस्तों आप इसमें और इसका मैक्सिमम देखिए दोस्तों, मैक्सिमम मैक्सिमम में ऊपर को बढ़ रहा है, बट अब क्या है कुछ टाइम से नीचे को गिर रहा है धीरे धीरे। जैसे कि इन्फ्लेशन चल रही, वॉर चल रही, तो इस कंपनी पे भी आपको फर्क पड़ा है। लोगों ने इन्वेस्ट करना थोड़ा कम कर दिया, डीमेट अकाउंट्स बहुत सारे क्लोज हो चुके हैं और कम खुल रहे हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, इस कंपनी को फर्क पड़ता है। बट क्या है, फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में इस कंपनी में कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी कंपनी है, एक मोनोपोली कंपनी। इसको आप क्या कह सकते हो दोस्तों, एक मोनोपोली कह सकते हो, ये एक हिसाब से मोनोपोली कंपनी है। देखो मोनोपोली कंपनीज क्या होती है दोस्तों, जो एक फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनीज होती है, जिनका फ्यूचर ग्रोथ बहुत अच्छा होता है, फ्यूचर ग्रोथ बहुत अच्छा होता है, फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनी होती है और सिंगल प्लेयर होती है मार्केट में। ठीक है, और अगर प्राइवेट कंपनी है, तो अगर उसका 60% दोस्तों 60% अगर उसका किसी प्रोडक्ट पे मोनोपोली है, तो मोनोपोली कंपनी कहलाती है। पकड़ है तो उसको 60% से ऊपर की पकड़ है तो उसको मोनोपोली ही कहेंगे दोस्तों, क्योंकि उसका कोई दूसरा कॉम्पिटिटर नहीं है। तो ये मोनोपोली टाइप की कंपनी है, तो बेहतरीन कंपनी, शानदार कंपनी। इस कंपनी में आप शॉर्ट टर्म में काम कर सकते हो, इस कंपनी में आप लॉन्ग टर्म में भी काम कर सकते हो। ठीक है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में दोनों में आप इस कंपनी में काम कर सकते हो। तो बेहतरीन कंपनी, इस कंपनी से आप अच्छे खासे रिटर्न जनरेट कर सकते हो। शॉर्ट टर्म में दोस्तों क्या होता है, ये कंपनी जैसे ऊपर नीचे होती है, तो नीचे बाई कर सकते हो, बाइंग करना है, ऊपर सेल करना है, बाई करना है, सेल करना है। दो चार चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी दोस्तों। आपको क्या करना है, आपको करना है कम कम क्वांटिटीज में काम करना है, कम कम क्वांटिटी धीरे धीरे SIP के थ्रू करना है, एक लिमिट लगा के सेट करनी है, एक राइट प्राइस ढूंढना है दोस्तों, और राइट कंपनी ढूंढनी है। राइट कंपनी हमारी क्या है, राइट कंपनी हमारी है CDS, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस, बहुत बेहतरीन शानदार कंपनी है। राइट प्राइस हमें कैसे निकलेगा, राइट प्राइस तभी निकल सकता है जब हम कम कम शेयर खरीदते रहेंगे, और धीरे धीरे इससे क्या होगा दोस्तों, राइट प्राइस भी आ जाएगा उसको। फिर राइट प्राइस आने के बाद दोस्तों हमें क्या करना होता है, होल्ड करना होता है, क्योंकि जो बंदा स्टॉक मार्केट में होल्ड करेगा वही यहां से सक्सेस पाएगा, वही यहां से पैसा कमाएगा। तो होल्डिंग दोस्तों एक कला है, आर्ट है, आपको इसको अपने अंदर लेकर आना पड़ेगा, एक आदत बनानी पड़ेगी कम कम शेयर खरीदने की और होल्ड करने की। आप कभी भी, आप कोई भी नौकरी करते हो दोस्तों, उसमें आप एक महीना, कम से कम एक महीना तो होल्ड करते हो, तभी आपकी सैलरी आती है। अगर एक महीना होल्ड नहीं करोगे तो सैलरी कैसे आएगी दोस्तों। वैसे ही आप कम से कम एक दो तीन चार महीने तो आपको स्टॉक को होल्ड करना पड़ेगा, अगर प्रॉफिट जनरेट करना है। ये नहीं कि दोस्तों अगले दिन ही आपका पैसा बन जाएगा। तो इन कंपनियों का आप नजर बना सकते हैं, बहुत बेहतरीन कंपनी, अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। डिसिप्लिन सेट करो, एक अच्छी आदत लेके आओ, जिससे कि आप हमेशा स्टॉक मार्केट में रह सको। आपके पास दोस्तों अगर 1 लाख रुपये, 1 लाख है, तो आप उसको आपके पास 1 लाख है तो आपको उसको 10 इंस्टॉलमेंट में लगाना है दोस्तों, 10-10 हजार करके। ठीक है, उससे क्या होगा, राइट प्राइस निकल कर आ जाएगा, और राइट प्राइस के साथ साथ होल्डिंग की पावर भी बढ़ेगी, धीरे धीरे आपका पेशेंस बढ़ेगा, धीरे धीरे होल्डिंग की पावर बढ़ेगी। तो जैसे जैसे आप इस पे काम करोगे, आपको एक हैबिट जनरेट होगी, कम कम शेयर क्वांटिटी करेंगे। और कोई एक फंडा, और जो पहला और जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको क्या है, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी में काम करना होता है। फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी वो होती है दोस्तों, जिनके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे होते हैं, जिनका फ्यूचर ओरिएंटेशन ग्रोथ होता है, पिछले काफी टाइम से अच्छा खासा उसका रिकॉर्ड ट्रैक है, और आने वाले टाइम में भी उनके प्रोडक्ट्स की ऐसी डिमांड है कि आने वाले टाइम में भी अच्छा खासा डिमांड में रहेंगी। तो इन स्टॉक्स पर आप नजर बना के रख सकते हो, इन स्टॉक्स पर काम कर सकते हो। इन स्टॉक्स पर दोस्तों आप क्या कर सकते हो, आप जब ये स्टॉक्स ऐसे ऐसे नीचे नीचे ऊपर चलते रहते हैं, तो इन स्टॉक्स पर काम कर सकते हो। अब दोस्तों देखो, देखिए बीच बीच में कितनी गिरावटें आती हैं, ये छोटी छोटी 10-10% की, 5-5% की, 2-2% की गिरावटें हैं दोस्तों। 19% की देखिए यहाँ पे ही दिख रही है आपको, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5% की जो गिरावटें हैं दोस्तों, यहाँ से पैसा कमाना है। ठीक है, कम कम स्टॉक्स लेने हैं, एक लिमिट बना के रखना है, होल्ड करना है, और यहाँ से पैसा बनाना है। यहाँ से आप क्या कर सकते हो दोस्तों, यहाँ से आप आराम से अगर चाहो तो, अगर दोस्तों आप वॉच आप नजर बना के रखोगे, और 3-3, 4-4% हर महीने उठाते रहो, कम से कम दोस्तों 25% में आप मंथली यहां से उठा सकते हो, और ईयरली यहां से दोस्तों 50% रिटर्न बना सकते हो। अगर बैंक में जाओगे दोस्तों, आपको 6% मिलेगा, 1 साल में मिलेगा। आप जब भी निवेश करते हो दोस्तों, ये मत सोच के करो कि निवेश की मुझे अगले महीने करोड़पति बनना है, मैंने स्टॉक्स खरीद लिया तो करोड़पति बनना। रिटेल इन्वेस्टर जब स्टॉक प्राइस खरीदेगा, वो हायर प्राइस पे ही खरीदता है दोस्तों, ये उसका अक्सर 90% लोगों के साथ होता है। तो आपको क्या करना है, कम कम शेयर पे खरीदना है। आप जैसे खरीदोगे तो आपको लग रहा, आपको आपका स्टॉक प्राइस फिर नीचे को जाने लगेगा, तो नीचे
एक खरीदने के लिए आपका एबिलिटी होनी चाहिए, आपका पैसा पड़ा होना चाहिए। एक नहीं कि आप ह्यूज अमाउंट में एक ही जगह पे, आपके पास 1 लाख रुपए आपने ह्यूज अमाउंट में हाई प्राइस पे लगा दिया, नीचे आपके एवरेजिंग करने के लिए पैसे नहीं है, तो राइट कंपनी होने का भी कोई फायदा नहीं होगा। राइट कंपनी होने का फायदा तभी है जब आपके पास एवरेजिंग के लिए पैसे हो, वो तभी आ सकते हैं जब कम कम क्वांटिटीज में आप लगाओगे और होल्ड करोगे कुछ टाइम तक के लिए, तो वहां से आपका पैसा जनरेट होगा। तो इस स्टॉक को दोस्तों यहाँ से अच्छा खासा आप पैसा जनरेट कर सकते हो, ये भी एक आर्ट है, आर्ट है। क्योंकि दोस्तों वॉरेन बफेट ने भी बोला है कि इट्स अ स्टॉक मार्केट इज अ इंस्ट्रूमेंट मनी ट्रांसफर फ्रॉम इम्पेशेंट टू पेशेंट पीपल, ठीक है, इम्पेशेंट पीपल से पेशेंट पीपल की ओर पैसे को ट्रांसफर करता है। तो पेशेंस होना बहुत जरूरी है। तो आज से 20 साल से दोस्तों स्टॉक मार्केट ने किसी को लॉस नहीं दिया, जिसने सिस्टमेटिकली डिसिप्लिन के थ्रू और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज में काम किया है, तो उन लोगों को आज तक कभी फायदा नहीं हुआ, उनका पैसा बल्कि कंपाउंड हुआ है, ठीक है। क्योंकि कंपाउंड एक टाइम के बाद दोस्तों 2-4 2-3 साल आप स्टॉक्स एक्यूमुलेट करते हो, उसके बाद एक बार कंपाउंडिंग काम करनी शुरू जाती है, तो आपका पैसा ऑटोमेटिकली बहुत बहुत तेजी तेजी से बढ़ता है। तो इस स्टॉक मार्केट को दोस्तों आपको बीट करने का एक ही तरीका है, कम कम शेयर खरीद के राइट कंपनी को लेनी है, राइट प्राइस पे लेना है और होल्ड करके बैठ जाना है। और आने वाले टाइम में देखिए अच्छी कंपनियां हमेशा बैक करती है, यू यू सेव कर वी वी सेव में बैक करती है, ठीक है। कोई भी कंपनी दोस्तों आपकी कोई भी कंपनी हो, वो क्या है ऐसे जैसे अब यही कंपनी दोस्तों, आप इस कंपनी को ये 900 रुपये पे आपने ये पहला शेयर खरीदा, ठीक है। अब मान लो दोस्तों ये दोस्तों आपको ये कंपनी जा रही है 500 रुपये, आपको पता है ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, CDSL है, स्टॉक मार्केट कभी बंद नहीं होगा, म्यूचुअल फंड्स में आने वाले टाइम में काफी ग्रोथ है, सब चीज अच्छा है, मोनो कोई इसके टक्कर में कोई दूसरी कंपनी है नहीं, और इनकी लाइबिलिटीज कुछ नहीं है, कोई एकदम बिल्डिंग लगानी है इनको, कुछ करना है इनका सिंपल काम है, ऑटोमेटिक एक ऑटोमेटिक सिस्टम में जनरेट कर दिया गया है, जहां से ऑटोमेटिकली शेयर्स बाय होंगे सेल होंगे, अकाउंट में पैसा आता रहेगा उनका, चाहे बाय हो चाहे सेल हो, कोई कोई भी इनको ज्यादा ना स्टाफ रखने की जरूरत है ना कुछ करने की जरूरत है, तो लाइबिलिटीज बिल्कुल कम नहीं। और ये स्टॉक मार्केट ये सपोज स्टॉक अगर आपको 600 तक भी आता है दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको कम कम शेयर में खरीदते हैं, 600 रुपये भी खरीदोगे दोस्तों आप, यहाँ आपको 700 में भी खरीदोगे, 500 में खरीदोगे अगर नीचे जाता है, ठीक है। ये पर ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है तो ये बैक करेगी, जब ये बैक करेगी आपको 900 रुपये पे आपको पैसे को आपको 50% बना के देगी, उसके ऊपर आपकी मर्जी है आप इसको रखें ना रखें, अगर अगर अच्छा लगता है तो आगे रख सकते हैं, आप 100% रख सकते हैं, पर आप लॉन्ग टर्म में जाओगे तो दोस्तों वेल्थ लॉन्ग टर्म में ही बनती है, ठीक है। 1 लाख के 1 करोड़ लॉन्ग टर्म में ही हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म में नहीं हो सकते। शॉर्ट टर्म में आदमी क्या करेगा दोस्तों, 20% 40% 50% लेके निकल जाएगा, पर लॉन्ग टर्म में क्या है कंपाउंडिंग काम करती है, बोनस मिलती है, डिविडेंड मिलती है, अच्छी कंपनियां लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी बेहतरीन रिटर्न बना के देखती है। तो इन स्टॉक पे फोकस बना के रखिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए, अपना पैसा सेव करिए, अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाइए और इंडिया को आगे लेके जाइए। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।